नमस्कार, मैं अभी ऑटो में बैठ के अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आई एम लेट। आज मेरा एक लंच का इनविटेशन है इसलिए मैं भाग रही हूँ। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा लेट लतीफ़ हूँ, मेरा दिन लेट शुरू होता है, तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम पे तो नहीं पहुँचूँगी पर बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या फिर स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। रास्ते में बात करना, आप लोगों को पता है इतना आवाज़ है इतना, क्योंकि अभी थोड़ा सा तो नॉर्मल हो रहा है लाइफ, गाड़ी वाड़ी बाहर बहुत मिलते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किसके इनविटेशन से मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या हो रहा है। नाम बताएंगे जरा? गोकुल मोरे। इनके ऑटो में अभी हम आए, इज वेरी नाइस पर्सन एंड हमारे उधर ही उनका स्टैंड है, हमारे जहाँ बिल्डिंग है उनके सामने। अच्छा, ये कोविड में आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ हुआ? मतलब काम बराबर चलता रहा? काम तो अभी चालू हुआ, पहले तो हाँ वही पूछ रहे, इतने महीने चल रहा है, इतने महीना जो बंद था तो पैसे का तंगी, वो तो हर घर में प्रॉब्लम हुआ ना। हाँ वही मैं पूछना चाह रही थी, पर अभी थोड़ा सा नॉर्मल है तो अभी आप लोग का काम धंधा हो रहा है। चलो अच्छा लगा सुन के ये भी, और भगवान से प्रे करें हम सब मिलके, आप भी करिए हम भी करें कि फिर से सब नॉर्मल हो जाए और हम लोग पहले जैसे रहने लगे। ओके थैंक यू भैया। देखिए मैं पहुंच गई रेस्टोरेंट पे और जैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं किसके साथ आ रही हूँ, मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। मैं आप लोगों को मिलाती हूँ ममता जी। यस ममता जी, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में भी और हमारे रिलेशन के बारे में। ओके, मैं ममता वाजपेयी हूँ, इरंडल में 20 साल से रह रही हूँ। प्रोफेशनली आई एम अ टीचर and I worked for 23 years as a supervisor in primary section. फिर मेरी जब बच्चे बड़े हुए, उनके सब हो गए सप्लीमेंट, उसके बाद मैंने कहा मैं डांस सीखूँगी, दैट वॉज माई पैशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैंने मन में सोचा कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, तो पहले तो मेरा वज़न का प्रॉब्लम था, तो वज़न मैंने फटाफट 3 महीने में कम कर दिया 20 किलो। 20 किलो कम करने से फिर मैं जब उधर ढूँढी तो मेरी मौड़ी दीदी से पहचान हुई कहीं, तो भी पता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा तो उनका मैं कथक सिखा, तो मैं कहा मेरे को सिखाओ, मैं तो इतनी बड़ी हूँ आपको सिखाने। बोले कि कोई बात नहीं, एनी एज इज नो प्रॉब्लम। और दीदी वॉज सो स्वीट इनफ, बोली आ जाओ। अब वो ताल के साथ सिखाने लगी, मैं सीखने लगी। ऐसा हुआ कि पहला शो मेरा SNP कॉलेज में होता 5 जनवरी, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डेट। और उस बीच उसके पहले दीदी ने मुझे 3 महीने तक इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतना अच्छा परफेक्ट कर दिया। उनसे ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिला उनकी मम्मी से, जिनको मैं आज तक भूल नहीं सकती। इनकी मम्मी वॉज लाइक एंजल फॉर मी, लाइक गॉड्स गिफ्ट फॉर मी। तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई, बोली नहीं ममता जी आप कर सकते हो। और फिर मैंने बहुत इंटरेस्ट दिया, अपनी ड्रेस खुद खरीद के बांडुक में टेलर से खुद मैंने स्टिच करवाई, और दीदी से मैंने सो जो कुछ सीखा रिकॉर्ड करके घर में बना के और बजा के और उसकी प्रैक्टिस करती रही। वो सब करके मेरे अंदर हिम्मत आई, कॉन्फिडेंस आया। फर्स्ट टाइम मैंने 12 मिनट का परफॉर्मेंस दिया स्टेज पे, एंड दैट ऑल क्रेडिट गोज टू मौली दीदी एंड उनकी मम्मी। सो आई प्रे एंड विश गॉड फॉर मौली दीदी कि इनको हमेशा खुशियाँ मिले, बहुत सारी अच्छी अच्छी जिंदगी में शांति मिले, और जो वो जीना चाहती है जी ले और जो करना चाहती है कर ले, यही मेरी इच्छा है। दीदी को विश करती हूँ, तो आज मैं उनको लेके आई हूँ। ये मेरी फर्स्ट गुरु है, तो मैं आज अपनी गुरु के हिसाब से उनको लेके आई हूँ।
देखा आप लोगों ने जो मैं बोल रही थी कि आप लोगों से मिलाऊंगी, ये है ममता जी जो शायद मेरे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है। और इसके एक्चुअली मैंने और भी बहुत सारे लेडीज है, बहुत सीनियर्स है, पर ममता जी बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक ना कुछ करने का चाहा और स्पेशली डांस के लिए इतना प्यार है, तो नेचुरली डांस के लिए प्यार है तो हमारे लिए भी प्यार है। तो काफ़ी दिनों से एक्चुअली हमारा प्लान चल रहा था, पर ये कोविड की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मौका मिला हम लोग चलिए आज चलते। दीदी और मैं महाराज जी के क्लासेस में जो वर्कशॉप होते थे हर साल जाया करते थे मई में, और वहाँ 10 दिन 8 दिन जो भी जितना दिन, और उसके बाद एनुअल फंक्शन होता था वहाँ पे नेहरू सेंटर में, नहीं एनुअल डे होता था भवंस कॉलेज, वहाँ पे हम लोग जाते थे और महाराज जी से मिलते थे। और उनकी बदौलत मैं महाराज जी से आशीर्वाद ले चुकी, और उन्होंने मुझे कहा था, मैंने महाराज से एक सवाल पूछा था कि क्या मैं इस उम्र में कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो उन्होंने ये जवाब दिया था महाराज जी ने कि अगर मन में लगन और दिल में अगन हो तो कोई भी चीज़ हासिल कर सकती है। वही चीज़ मैंने गांठ बांध के रख दी और उसी पे मैं वर्क करती रही। उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोत्साहन दिए, मैंने भी स्टेज में कई शोज़ किए, दुर्गा पूजा ग्राउंड में हर साल करती हूँ, हरियाली फूल में करती हूँ, एनर्जाइजर स्टेज पर करती हूँ, पर हमेशा मैं इनको मौरी दीदी को पहले नमस्कार करके, महाराज जी को नमस्कार करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ऑलवेज आज तक भी मैं जब भी परफॉर्म करती हूँ पहला गुरु तो इनको मैं नमस्कार, फिर महाराज जी को, फिर मैं आगे अपना परफॉर्मेंस देती हूँ। ये मेरा मेरे पे उनका सच्ची में आशीर्वाद है दिल से, तो मैं कर पाती हूँ और लोग अप्रिशिएट करते हैं इस उम्र में। यही होना चाहिए जो अभी ममता जी कह रहे हैं ना कि दिल में होना चाहिए। This is bombay fry. This is surmai fry. And ये चावल की भाकरी, भेज थाली जिसमें चावल की रोटी, चावल भिंडी उसल दाल सोल कड़ी रायता एंड मीठा ओके एंड थोड़ा सा भजिया चटपट अचार ये आगे भी कुछ है ना, भजिया राइट और पापड़। अच्छा ये सोल करी के बारे में थोड़ा बताइए कैसे बनता है ये। सोल करी एक्सट्रैक्ट ऑफ ये जो नारियल का जो जूस है ना, पहले ग्रेट करते हैं, फिर उसको जूस निकालते हैं, उस जूस में हम लोग अदरक मिर्ची और थोड़ा सा कुकम डाल के पीस लेते हैं। फिर उसको डायरेक्ट कलर पिंक होता है वो बीट रूट का थोड़ा सा। ओ अच्छा, या कुकम का शर्बत। चलिए अभी हम लोग खाना शुरू करते हैं। मैं और इतना अच्छा खाना ऑलरेडी लेट, और वेट नहीं करेंगे, खा लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये ना बंगाल में हम इसे लोटा फिश कहते हैं, और बंगाल में बहुत लोग खाते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं खाया ये। इवन बॉम्बे का तो ये डेलिकेसी है, बॉम्बे कहते हैं इसे, बहुत फेमस है, बॉम्बे डक बोम्बिल कहते हैं। पर इसका ग्रेवी मतलब कड़ी वाला सब्जी वब्जी मैं नहीं खा पाती, पर ये फ्राइड तो इतना टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी बॉम्बे अगर आप लोग आए या बॉम्बे में रहते हैं तो ये ज़रूर खा के देखिए। सुरमई फिश जो बॉम्बे का सबसे कॉस्टली फिश है, सबसे महंगा है, और ये मसाले देखिए फ्राई किया इतना टेस्टी है। मैं अच्छी थोड़ा सा चूजी हूँ, मुझे थोड़ा सा स्मेल लगता है, सब फिश मैं नहीं खा पाती, पर ये दोनों फिश इतना अच्छा है, मुझे इतना पसंद आया। थैंक यू ममता जी, आपको कैसा लगा बताइए? बहुत टेस्टी है, मैं तो इतना अच्छा फील करती हूँ अपने पसंद के और अपने टेस्ट का जैसा मिल जाता है। आई एम ऑल्सो वेरी चूजी लग रही है, तो मुझे भी स्मेल नहीं चाहिए और अच्छा से चाहिए एकदम फ्रेश, और यहाँ फ्रेश है। यस एकदम बहुत बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, चॉइस भी अच्छी थी एक्चुअली। थैंक यू ममता जी फॉर दैट, और वी आर रियली लकी कि रेस्टोरेंट के ओनर भी यहाँ बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज उनसे थोड़ा बात करें, बिकॉज ये जो सिचुएशन हम सबको पता है कि अभी जो चल रहा है उसमें उनका क्या एक्सपीरियंस हुआ। अपना नाम थोड़ा बताइए।
myself Nitin Chalke, okay. I'm the owner of the Kokanshot brand. Very good, congratulations. कितने साल से आप ये चला? We started this brand in 2008 from the parcel counter. We have completed almost 13 years. We have the 4 branches in all, totally. Mulun, Brandu, Thana and Navi Mumbai, Sivu. Okay, very good, very good. पर एक बात बताइए, आपने तो कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे कोविड होगा, पेंडेमिक आ जाएगा और रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था. तो उस टाइम आपको कैसे लगा और क्या आपने कैसे सरवाइव किया? ऐसा था कि वी थॉट कि ये 21 डेज में कंप्लीट हो जाएगा एज पर द रूल्स, जो सिनेरियो था उस वक्त का. बट बाद में जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए एंड नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते गए, तो उस वक्त तो बंद ही था. बट बाद में एज अ पार्सल सर्विस, पार्सल काउंटर, धीरे धीरे हमें रिलैक्सेशन मिलती गई. फॉर द पार्सल सर्विस भी धीरे धीरे टेबल्स चालू हुए. Right. में जैसे केसेस बढ़ते गए वो हिसाब से भी नए रूल्स रेगुलेशंस, नाउ कोविड वैक्सीनेशन वगैरह सब चालू है. राइट. आपका लेकिन स्टाफ का भी बहुत इफेक्ट हुआ होगा, अपने स्टाफ का? यस, वी वर अफेक्टेड बाय द स्टाफ. सब बहुत से थे जो गए थे, बार बार लॉकडाउन लगना, लॉकडाउन ओपन होने की वजह से स्टाफ भी आने जाने से मना कर रहे हैं. राइट. तो मतलब काफी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा. बट उसमें से बहुत से पॉजिटिव थिंग्स भी ओपन अप हुए हैं. दिस इज वेरी गुड पॉइंट, ये बोलिए अभी. यस, ये सबसे बड़ी बात है. नया सीखने को मिला, कुछ नए प्रोडक्ट लाइंस ऐड ऑन हुए. यस, दैट्स अ वेरी गुड. इस तरह से बिकॉज़ यू आर यंग नाउ, तो ये जो पॉजिटिव थॉट्स आपने हैं, बी पॉजिटिव, मेंटली पॉजिटिव, ऑलवेज दिस इज वेरी नाइस. पर अभी तो शुरू हो गया ना फुल फ्लेज? फुल फ्लेज चालू हुआ है. वेयर वी एक्सेप्टिंग द टेम्परेचर चेकअप्स वगैरह, जो नॉर्मल जो रूल्स रेगुलेशन है, वी आर ट्राइंग टू फॉलोड है. नॉट ट्राइंग, वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन. स्टाफ वैक्सीनेटेड हुआ है. इवन हम भी आके देखा, बहुत नीट एंड क्लीन है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, दूर दूर लोग है. पर इट्स वेरी नाइस. मैं भी सजेस्ट करूंगी सबको कि आप यहाँ आए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज आप इतने साल से कर रहे हो और ये जो आया ना, हम सब मिलके ये सिचुएशन झेल लेंगे. Be positive. Yes. Be safe. फिर अच्छा दिन आएगा. So all the best. Hi. देखिए, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि आज मैं यहाँ आई हूँ लंच के लिए ममता जी के साथ. यहाँ के मैंने देखा कि मंजू मिल गई मुझे, जो कि एक और यूट्यूबर है. एंड सबसे बड़ी बात है, एक तो हम दोनों बंगाली हैं, ये कनेक्शन है ही, इसलिए दोनों शायद यहाँ आए फिश खाने के लिए. पर सबसे बड़ी बात है कि जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कोई यूट्यूबर से ऐसे डायरेक्ट मिल रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. एंड आई होप मंजू आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दीदी से मिलके. मैं भी फर्स्ट, मेरा भी ये जर्नी स्टार्ट ही है और फर्स्ट टाइम हम लोग दोनों लंच करने आए. देख रही दीदी भी शूट कर रही, मैं भी शूट कर रही, तो दीदी से बात किया तो यूट्यूबर है, चलो अच्छी बात है. बहुत अच्छा लगा दीदी से बात करके और इनका चैनल वीडियो देखकर. इनका भी वीडियो बहुत ही अच्छा. गाइस, दीदी को सपोर्ट कीजिएगा, इनका वीडियो बहुत ही अच्छा है. इसी तरह आप सब्सक्राइब करते रहिए, व्यू कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा दीदी का. और मेरा भी है वीडियो, अपना बताओ. आई एम मंजूस लाइफ, जो मैं मोस्टली फूड ब्लॉगिंग कर रहा था. आपको मुंबई में कहीं भी, मुंबई भांडुप कहीं भी फूड ट्राई करना है या ट्रैवल जाना है, माथेरान वगैरह कैसे जाते हैं, क्या है, सब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको राय दूंगी एकदम. और बहुत ही अच्छा लग रहा है दीदी से बात करके, बहुत ही मजा आ गया आज तो. रियली आज हमारा दिन तो एकदम थम्स अप गाइस, बहुत मजा आ रहा है. ओके, तो आप लोग जैसे मुझे अब तक सपोर्ट कर रहे हो, आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हो, मैं माती हूँ, वैसे आज से मंजू भी हमारे साथ है. तो उसका भी जो भी फूड ब्लॉग है एंड घूमने का जो है, ये तो हमारे लिए एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग चीज है. हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छा अच्छा खाए और अच्छा अच्छा जगह देखे. तो उसका ब्लॉग जरूर देखिएगा और उसको भी सपोर्ट करिएगा. आप सब साथ रहेंगे तो हम तो आगे बढ़ते रहेंगे. जरूर जरूर. बहुत अच्छा लगा मंजू. ओके ममता जी, बाय बाय. बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत अच्छा. फिर मिलेंगे जरूर जरूर, बहुत एंजॉय किया आज. ओके, बाय बाय. देखिए, मैं पहुंच गई आज. 3-4 घंटा ममता जी के साथ बहुत अच्छा बिताई. बहुत दिनों के बाद
मतलब ऐसे माहौल में हम गए, मॉल में तो एक्चुअली शायद मैं 1.5 साल के बाद ही गई, बहुत अच्छा लगा। पर चलिए अभी फिर फटाफट फ्रेश होते हैं, क्लास के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो आज इतना ही। माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और न्यू एनर्जी लेके मैं फिर आप सबके सामने आ जाती हूँ। आज इतना ही, नमस्कार।